एक पंख लीजिए, फूंक मारिए, वो थोड़ी दूर जाकर गिरेगा। पंखा चला दीजिए तो वो चंद फीट दूर जाकर उड़कर गिरेगा। लेकिन आंधी आ जाएगी तो वो पंख कहां जाएगा? जाहिर है आसमान में, बहुत दूर। यानी पंख का उड़ना और दूरी तय करना वजन और उस पर लगाए जाने वाली ताकत के सिद्धांत पर काम करता है, यही विज्ञान कहता है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि फूंकने पर वो पंख आसमान में उड़ जाए लेकिन आंधी आने पर टस से मस ना हो, अपनी जगह से रत्ती भर भी ना हिले? नहीं हो सकता ना। पिथौरागढ़ के मोस्ट मानु मंदिर में महादेव ऐसा चमत्कार रोज दिखाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जहां शिव स्वयं विराजमान है, ये तो साक्षात शिव का एक लिंग है जिसको माने, और मुष्टा देवता के दरबार में ये पड़ा रखा हुआ है। जहां उनकी मौजूदगी का सबूत है एक चट्टान। यहाँ पे कहा जाता है कि इसको उठाने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तो जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आता है वो इसको आराम से अपना उठा लेता है। वहां आस्थावानों की चुनौती स्पष्ट है, साफ है। काफी लोग इसको उठाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं तो वो नहीं उठा पाते। वहीं वैज्ञानिक इसे एक ट्रिक से उठा देने का दावा करते हैं। घुटनों के ऊपर रख के फिर आप इसको पूरा ऐसे जकड़ के तो फिर इजली लिफ्ट हो जाता है। हमारा सफर चट्टान, चमत्कार और एक चुनौती के साथ शुरू हुआ था। तो सच क्या है? आज किसकी बात साबित होगी? क्या वो चट्टान बिना भगवान शिव का नाम लिए नहीं उठाई जा सकती, या उसे उठाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जैसा कि वैज्ञानिक दावा करते हैं? क्या उस चट्टान में सदियों से महादेव की मर्जी छुपी है, या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को चमत्कार मान लिया गया है? यही देखने हम पहुंच गए पिथौरागढ़ के मोस्ट मानु मंदिर। मोस्टा देवता की कहानी से जुड़ी एक रोचक तथ्य यहाँ पर सामने आते हैं, और ये कहा जाता है कि मोस्टा देवता वर्षा के देवता हैं, यानी बारिश के देवता हैं, और इसीलिए यहाँ के लोग बारिश के देवता को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी बड़ा मेले का आयोजन करते हैं, और इस मेले के आयोजन के बाद उन्हें खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए अनाज चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, ताकि उनकी कृपा यहाँ पर बनी रहे। और उसी मेले के आयोजन में सैकड़ों की तादाद में लोग आकर उस रहस्यमयी पत्थर का इतिहास भी और चमत्कार भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम मंदिर के गर्भगृह में गए। कहते हैं यहीं महादेव मोस्ट मानु देवता के रूप में वास करते हैं। अब मैं मोस्टा मानु मंदिर के अंदर हूँ, और यहाँ पर कई सारी दुर्लभ मूर्तियाँ यहाँ पर हैं जो कई सालों से यहाँ पर रखी हुई हैं। मोस्टा देवता को वर्षा देवता भी कहा जाता है, लेकिन वहीं ये दावा भी किया जाता है कि मोस्टा देवता के साथ 52 वीर, 64 जोगन और 8 मशान हैं, इसीलिए उनके आसपास कोई भूत प्रेत नहीं भटकता। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ का एक बड़ा स्वरूप मोस्टा देवता को माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और भगवान भोले शंकर से जुड़ी हुई यहाँ पर आप पूरी मूर्तियों की शैली देख सकते हैं। फिर हमने मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को तलाशना शुरू किया, तभी हमें वहां मां काली की प्रतिमा दिखाई दी। कहते हैं देवता के विराजने से पहले यहां राक्षसों और मां काली के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था।
मोस्ट मानो मंदिर चंडाक वन में बना है। पौराणिक कहानी के मुताबिक शुंभ निशुंभ ने मां काली का वध करने के लिए चंड मुंड को भेजा था। मां काली ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया और इसी चंडाक वन में चंड और मुंड का वध कर दिया था। हमने फिर पत्थर को तलाशना शुरू किया। हमें मंदिर के आंगन में रखा एक पत्थर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर अलग सी बनावट का दिखने वाला ये ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कई सारे रहस्य और चमत्कार यहाँ पर दावे के साथ किए जाते हैं। लोगों का ये कहना है कि इस चमत्कारी पत्थर को कोई अगर उठा ले तो उसकी किस्मत बदल जाती है। पत्थर में कुछ भी खास नहीं था, बेहद सामान्य आकार, रंग और रूप था। हाँ, हिलाने डुलाने पर यह जरूर समझ आ गया था कि पत्थर काफी भारी है। एक बार मैं कोशिश करता हूं इसको उठाने की, लेकिन पहले मैं पत्थर के बारे में बता दूं। देखिए, ये लंबा जो पत्थर है, तकरीबन अगर मैं बात करूं तो ये ढाई से तीन फीट की इसकी जो लंबाई है और दो डेढ़ फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। और ये पत्थर कई सालों से यहाँ पर है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और इसी आस्था में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पत्थर में या फिर इस पत्थर को उठाने से कितनी शक्ति खर्च होती है और कितना इससे बल मिलता है। हमने पत्थर के चमत्कार के बारे में पूछा तो एक शख्स हमारे सवाल करने पर ही नाराज हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं, पत्थर क्या है, वो तो स्वयं शिवलिंग है, स्वयं भू है वो तो। ये तो भगवान भोलेनाथ का एक अंश है, एक रूप है। हमने यह चमत्कार देखा है, आप लोग तो आज आए हैं, हमने तो यहाँ चमत्कार देखा है। यहाँ हम जब अपने यंग एज में होते, हम 20 साल 22 साल के एज में, तो हम यहाँ उठाते थे पत्थर को। चमत्कार है, स्वयं भोलेनाथ हैं ये तो। उसने कहा कि यहाँ एक नहीं, रोज सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलते हैं। और मुष्टामानु को यहाँ बारिश का देवता भी माना जाता है और भगवान इंद्र से संबंध माना जाता है इसको। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब यहाँ बारिश नहीं हुई थी तो एक दिन हवन यज्ञ हुआ था, तो उस दिन हवन यज्ञ समाप्त होने के कुछ देर बाद ही बारिश यहाँ शुरू हो गई थी। चमत्कार ये करते हैं, बारिश करवा देते हैं ये। हम इनको पूछते हैं, हम इनको इनके प्रति आस्था हो जाता है, बारिश हो जाती है। काफ़ी क्षेत्र में बारिश नहीं तो बारिश हो जाती है। अच्छा, लोगों के शुभ काम हो जाते हैं, कभी यहाँ मन्नतें मांगे तो यहाँ भोलेनाथ के दरबार में वो मन्नतें पूरी होती हैं। पूजा करने पर बारिश हुई या नहीं हुई, अब ये परख पाना तो नामुमकिन है। कहने वाले ऐसी घटनाओं को इत्तफाक भी कहेंगे। तो लोगों ने कहा कि चलिए बारिश न सही, पत्थर ही आपको धाम में महादेव की मौजूदगी और सत्ता का एहसास करा देगा, आप खुद देख लीजिए। मुष्टामानु का यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। उस टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, तो सब लोग अपना अपना भाग्य यहाँ पे आजमाते हैं। काफ़ी लोग इसको उठाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं तो वो नहीं उठा पाते। यहाँ पे कहा जाता है कि इसको उठाने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तो जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आता है वो इसको आराम से अपना उठा लेता है। उसके बाद लोगों ने पत्थर को उठाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले एक शख्स ने पत्थर को सीधा किया, फिर उसमें उंगलियां फंसाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला। हमने उसे एक तरीका बताया, ठीक दूसरी साइड घूम के जाओ, उस साइड से ग्रिप बनेगी, ग्रिप बनेगी। उसने पत्थर को घुमाया और बचा कुचा पूरा दम लगा दिया। नहीं उठता। हमारे पीछे घंटियां
शिव की धुन में गूंज रही थी। आगे कुछ दमदार पत्थर से जोर आजमाइश कर रहे थे, कभी इधर गिराते कभी उधर गिराते, दिशा बदलते, तरीका बदलते, ग्रिप बदलते, लेकिन कोई भी पत्थर को जमीन से एक इंच ऊपर नहीं उठा पाया। एक से नहीं हुआ तो दो लोगों ने एक साथ दम लगाया, लेकिन मजाल है कि कोई चमत्कार की चुनौती पार कर पाए। माना पत्थर भारी है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंच भर भी ना उठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चमत्कार के दावे को सही साबित करने के लिए ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हों। हमने सोचा कि अब हम खुद कोशिश करेंगे। पत्थर भारी है इसलिए बेशक कंधे तक ना उठे, लेकिन जमीन से तो ऊपर उठाई देंगे। लोगों ने कहा, यहां महादेव की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और आप ये पत्थर हिलाएंगे, जरा हमें भी दिखाइए। पत्थर बहुत भारी है, ये इससे लग नहीं रहा कि एकदम से उठेगा, क्योंकि इसको कहां से पकड़ा जाए ये बड़ा मुश्किल है। शायद इसको लंबा नहीं बल्कि तिरछा अगर मैं ऐसे करूं। बाप रे, एकदम से नहीं आ रहा ये पत्थर, क्योंकि इस जो ग्रिप बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं वो बन नहीं पा रही है। एक क्विंटल से ज्यादा ये पत्थर है, एक बार कोशिश करता हूं। बस फिर क्या था, हमने मोर्चा संभाला, जमीन पर कदम जमाए, हाथों से पत्थर को दबोचा और जोर लगा दिया। ना, बहुत मुश्किल है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने कई बार कोशिश की, अलग अलग ट्रिक अपनाई। ग्रिप बना खाली, लगा जोर, बैठ के लगा, बैठ घुटने के तल बैठ। कभी पत्थर की दिशा बदलते, कभी खुद का तरीका। हमने पत्थर को ऊपर नीचे दाएं बाएं तो कर लिया, लेकिन जमीन से इंच भर भी नहीं उठा पाए। ठीक वैसा जैसे लोगों ने दावा किया था, हमारा तरीका तो फेल हो गया। मैंने कई बार कोशिश की कि इसको उठा सकूं, लेकिन जितनी भी पेंच मैंने लगाए वो कहीं से भी फिट नहीं हुए, क्योंकि कोशिश कर रहा था इस तरफ से नीचे की तरफ से उठाऊं, उसके बाद लंबाई में इसको रखा, उसके बाद उठाने की कोशिश की। अब थक गया हूँ, वजन भी ज़्यादा है इस पत्थर का। एक प्रोफेसर ने इस गुत्थी को विज्ञान के सिद्धांत से सुलझाने का दावा किया था, हमने उन्हें फोन किया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद प्रोफेसर दीपक आ गए। सर, यही वो पत्थर है जिसके लिए हमने आपको बुलाया है। जी जी, तो एक बार आप देखें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ठीक है। हमारा पहला सवाल था पत्थर के बारे में। ये पत्थर जो है आपका लाए होंगे इसको नदी के किनारे से, कैस्पेंट एरिया से लाए होंगे इसको, क्योंकि ये राउंडेड शेप है इसका। दो वर्ड होते हैं, राउंडनेस एंड स्पेरिसिटी। रिवर क्या करती है, जब इरोजन करती है, इरोजन वर्ड है, मतलब कि वो अपने रास्ते से कोई भी जो सामने रॉक्स आती है उनको तोड़ती है, तोड़ के उसको फिर अपने साथ ले जाती है। क्योंकि नदी में पावर है, वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी उसके अंदर, तो उसको जब पत्थर नदी में इरोड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये इसके जो एजेस होते हैं, पहले ये इरेगुलर शेप का होता है, इसके एजेस टूटते जाते हैं, तो एक राउंड शेप जनरेट होते रहता है। प्रोफेसर ने हमसे कहा कि पत्थर के नहीं उठने का रहस्य विज्ञान के सिद्धांतों में छुपा है। अब मैं फिजिक्स से इसको देखूं, तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ से हम इसके वर्टिकल लाइन नीचे
ड्रॉ करें और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा हमको, वो पॉइंट आपका इसका सेंटर ऑफ मास होगा और उसी पॉइंट में इस बॉडी का पूरा मास होगा। ये क्योंकि उठाना मुश्किल है इसको, अब इजीली एक तो इरेगुलर शेप होगा तो उसको आदमी उठा सकता है लेकिन ये उठाने में दिक्कत करता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जो मास है वो ज़्यादा है और रॉक में भी डिपेंड कर रहा है कि रॉक के बारे में भी हमने बता दिया है तो इसको उठाना कठिन है, इसलिए जो है इसकी टेक्निक से इसको उठाया जाता है। हमने प्रोफेसर से उस ट्रिक के बारे में पूछा जिसका वो दावा कर रहे थे। अगर स्फेरिकल होता है आइडियल तो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, तो इसको अगर उठाने के लिए आप इसको उठाने में अगर ऐसे उठाएंगे बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मास नीचे की ओर जो वेट, हाँ जो वेट है वो नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे काम कर रही है तो उठाना कठिन होगा। तो इजिली उठाने के लिए आपको इसको पहले वर्टिकल करना पड़ेगा, वर्टिकल करके फिर आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप कौन सी एरिया से अच्छी बन रही है और इसको टाइटली अपने हाथों से बिल्कुल हक करते हुए ऊपर को उठा सकते हैं। हमने प्रोफेसर की बताई ट्रिक पर पत्थर उठाने की कोशिश की। चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि मुझसे अभी तक तो नहीं उठा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि क्या तीसरे प्रयास में ये मुझसे उठ पाएगा या नहीं। हमारी कोशिशों को देखकर मंदिर के पुजारी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि हाथों के बल की जरूरत नहीं है, पत्थर तो सिर्फ उंगलियों पर उठ जाएगा, बस नाम महादेव का लेना होगा। यहाँ पे हमारे पंचकोटी देवता हैं, मोष्टा देवता हैं, बाला देवता हैं, लाटा देवता हैं और पशुपतिनाथ है, साथ में महाकाली जी। अच्छा जी, और यहाँ पर जो पत्थर रखा है उसका क्या रहस्य है? ये मोष्टा देवता का है, जो ये पत्थर इसको श्रद्धालु लोग उठाते हैं, जो अच्छे श्रद्धा से उठाते हैं वो उठा पाते हैं और ये 9 आदमियों पे 2 उंगलियों में आराम से उड़ जाते हैं। हम फेल हो चुके थे, विज्ञान की ट्रिक भी नाकाम रही, चलिए एक बार आस्था का तरीका अपना कर देखते हैं। आस्था के इस पत्थर को उठाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की, 3 बार चांस लिए लेकिन ये पत्थर मुझसे नहीं उठ सका। अब यहाँ पर ये भी एक किंवदंती है कि अगर 7 या 9 लोग इस पत्थर को इन उंगलियों पर उठा लें तो ये पत्थर उठ जाता है। अब इसको भी आजमा लेते हैं क्योंकि मेरे पास ये 7 से 9 लोग मैंने बुलाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक मैं 9। 9 लोगों को सबको पता है कि किस पत्थर को कैसे उठाना है, तो यहाँ पर ये अक्सर लोगों ने हमें बताया, तो इसको एक बार यहाँ पर कैमरे के सामने भी करके देख लेते हैं कि ये उठता है या नहीं उठता। जिस पत्थर के आगे जाने कितने बाहुबलियों की भुजाओं का बल ढेर हो गया, उसे हम उंगलियों पर उठाने जा रहे थे, सिर्फ चंद उंगलियों पर। देखते हैं क्या होता है। हमने भोले के नाम का जयकारा लगाया और पूरा जोर लगा दिया। चमत्कार हो गया, जैसा सुना था ठीक वैसा। पहली ही कोशिश में हमने पत्थर को जमीन से कई फीट ऊपर उठा दिया। भला ऐसा कैसे हुआ? तो प्रोफेसर ने कहा कि ये चमत्कार नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक नमूना है। इस पर पुजारी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार अकेले उठाइए, बस शर्त यह होगी कि नाम शिव का लें, वो भी पूरी श्रद्धा से। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन ये पत्थर अब मुझसे नहीं उठता। मैं कोशिश शुरुआत से ये कर रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई पेंच लगाऊं, ऐसा कोई तिकड़म लगाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब जब ये नहीं उठा था तो उसके बाद मैंने इसको खड़ा करने की, तिरछा करने से उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। क्योंकि इसी रहस्यमयी पत्थर को यहाँ के लोग चमत्कारिक पत्थर भी कहते हैं और ये कहते हैं कि जो इसे उठा लेगा किस्मत वाला होगा। एक बार फिर कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि किस्मत का अगर मैं धनी हूँगा तो इसी पत्थर से पता चल जाएगा। तो अब दूसरे एंगल से देखता हूँ क्योंकि ये पत्थर का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से ये पत्थर जो है उठाना काफ़ी मुश्किल है। एक बार और कोशिश करता हूँ।
महादेव का नाम भी लेना होता है ऐसा भी कहा जाता है। हमने मन में भोले को याद किया और फिर से सारी ताकत लगा दी। पांच इंच में उठा सका हूं इसे, पांच इंच से ज्यादा ये नहीं उठ पा रहा है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। जो पत्थर एक बार हिला तक नहीं वो महादेव को याद करते ही उठ गया। बेशक थोड़ा सा ही सही लेकिन जमीन से ऊपर उठा। लोग कहते हैं कि जब महादेव की मर्जी होगी तभी पत्थर उठेगा। अब ये कैसे हुआ? ये चमत्कार था या इत्तफाक, ये हमें समझ नहीं आया। इस रहस्य को लेकर हम आज भी दुविधा में। और विज्ञान अपने दावों पर डटा है। उधर भक्त, उनके कानों को न तो सवाल सुनाई देते हैं न जवाब। उनकी दुनिया में तो सिर्फ एक गूंज है, वो शब्द जिसमें ब्रह्मांड का सारा सार निहित है, ओम। अभी जो कुछ आपने देखा और सुना हो सकता है वो आपको भरोसा करने लायक नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब हमने इन कहानियों के बारे में सुना था तो हमारे मन में भी कई सवाल गूंजते थे। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि देवी से जुड़े चमत्कार की इन कहानियों में क्या वाकई दम है, या फिर महज सुनी सुनाई बातों के सहारे ही इन कहानियों पर लोगों का भरोसा कायम है। ऐसे सवाल जब जब हमारे सामने आए तब तब हमने उनकी तह तक जाने की कोशिश की। यही वजह थी कि इस बार आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पिथौरागढ़ के ही गंगोली हाट इलाके के लिए निकल पड़ी, क्योंकि यही वो मंदिर मौजूद है जहां रात के अंधेरे में साक्षात मां काली के आने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद का वक्त देवी का होता है, उस दौरान उन्हें किसी भी तरह का विघ्न मंजूर नहीं। एक हैरान कर देने वाली कहानी, एक अनदेखे चमत्कार का जीता जागता सबूत। पहाड़ पर देवी की मायावी शक्ति के कई साल पुराने प्रमाण। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको लेकर आई है उस सफर पर जहां आस्था के द्वार पर एक शक्ति का पहरा है, जहां हर किसी की जबान पर एक ही देवी का नाम है, कुमाऊं की आराध्य देवी मां हाट कालिका। न्याय देने के लिए कहीं आधी रात को माता की अदालत लगती है तो वहीं कहीं अदृश्य शक्ति की आहट से बिस्तर पर सिलवटों के सबूत मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। उत्तराखंड की इन दैवीय शक्तियों को जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। चमत्कारों से जुड़ी अब तक की जितनी भी कहानियां हमने सुनी थी ये उन तमाम कहानियों से इसलिए अलग है क्योंकि हमें इसके जीते जागते सबूतों का हवाला दिया गया था। हमें बताया गया था कि मां हाट कालिका से जुड़ी कई कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि उनका हकीकत से वास्ता है। इसलिए हम अपनी टीम के साथ उस मंदिर में जा पहुंचे। अब हम पहुंचे हैं हाट कालिका माता के उस मंदिर में जो गंगोली हाट इलाके में स्थित है। दावा किया जाता है मां काली का ये ऐसा मंदिर है जहां रात के वक्त मां स्वयं आती है।
और एक शयन कक्ष में विश्राम करती है। ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि जब रात को कोई आदमी सोता है तो सुबह सलवटें दिखती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, रात को अगर शूटिंग करेंगे आप तो चादर एकदम प्लेन बिछाते हैं, हम दो चार फूल वूल उसमें बिखरा देते हैं, सुबह देखते हैं तो सलवटें पड़ी रहती हैं, कभी चादर मुड़ी रहती है, ये तो रोज़ देखता है आदमी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम भी ऐसा ही कुछ सुनकर गंगोली हाट तक पहुंची थी, लेकिन जैसे जैसे हमने कहानियों की तह तक जाने की कोशिश की, रहस्यों से भरा नया पिटारा खुलता गया। यहां अब जो नई कहानी हमने सुनी उसका ताल्लुक था आदि शंकराचार्य से। आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ पर आए जागेश्वर से, माता स्वयं उन्हें बालिका रूप में लेके आई, तो मूल में आपने स्थान देखा होगा ऊपर, वहाँ पर जब आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि ये भूतनी है, माँ थोड़ी ऐसा करती है, तो उन्होंने अंगुली छोड़ी आदि गुरु शंकराचार्य की, और आदि गुरु शंकराचार्य शक्ति विहीन होकर के 3 रात और 2 दिन वहाँ पर पड़े रहे। फिर उन्होंने न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो इसकी रचना की, इस स्तोत्र की रचना की रोते हुए रुआसे अंदाज में की। आपने अगर रात को देखा होगा आरती में क्षमापन स्तोत्र इसी तरह से यहाँ पर गाया जाता है। तो अंत में जब आदिगुरु शंकराचार्य बोले मत क्षमा पाति की नास्ति पापग्नि तत् समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करु, तब माँ उठी गई उनके पास और पीठ में हाथ रखा, बोली कि आप जैसे चाहो वैसे करो, मैं मान जाऊंगा। यहां हमारी दिलचस्पी उस कहानी को समझने में थी जिसमें यह कहा जाता है कि मां रात के वक्त स्वयं मंदिर में आती हैं और वहां विश्राम करती हैं, क्योंकि यह बात हमने हर किसी के मुंह से सुनी थी। महाकाली को जो है इस चमत्कार को सारा दुनिया जानता है, यहां से बंबई कलकत्ता मद्रास दुनिया भर के यहां पर्यटक आते रहते हैं ये जून जुलाई के महीने। आपने देखा है माँ का चमत्कार? माँ का चमत्कार कई बार देखा हमने। तो क्या देखा? ऐसा देखा कि जब जब यहाँ पर जो भी यहाँ अपने मन्नत मांगने आता है, माँ उनको हमेशा अपने सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सिलवटों का क्या राज है? सिलवटों का यहाँ रात तो कुछ नहीं है। सिलवटों का जो माँ भगवती मेन चीज़ है, महाकाली का रोल है यहाँ पर। क्या रोल है माँ भगवती का जो रात में बिस्तर में सिलवटें पड़ती है, फूल बिखर जाते हैं? वो फूल बिखर जाते हैं, मैया जो है अपने स्वयं सोने आती है। लेकिन इसी बीच भीम सिंह पंडा ने हमें एक और कहानी सुनाई, देवी के अनोखे रूप से जुड़ी एक चमत्कारी कहानी। एक बार हमारे दादाजी जो थे ताऊ जी को जो है बुढ़िया के रूप में मिली थी। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उन्होंने कपाट खोला तो उन्होंने बोला ये बुढ़िया चल भाग जा, मैया से अगर वो दर्शन मांगते तो उसको चमत्कार मिलता उनको। तो वहाँ तो कोई सोता नहीं, ऐसे ताले लगते हैं, 7 ताले लगते थे पहले भी, अभी भी लगते हैं। तो उस टाइम उन्होंने मैया को बुढ़िया के रूम में दर्शन दिए। हमारे ताऊ जी बड़े भक्त आदमी थे। ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी हमें मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी बताई। एक आदमी आया तो उसने अंदर जो शक्ति पूजा होती है वहाँ पर चावल चढ़ाते हैं, तो उनने पूछा पंडित जी से कि ये चावल क्यों चढ़ाते हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा जब चावल चढ़ाते हैं तो उसके घर में समृद्धि होती है और अच्छा होता है घर में। तो उन्होंने थोड़ा अहंकार टाइप का आ गया, उन्होंने कहा 1-2 बोरा लाओ चावल का, इसको भर देते हैं पूरा शक्ति को। उसमें लगभग 30-40 किलो में भर जाती होगी वैसे नॉर्मल, लेकिन उन्होंने जब 1 कुंटल डाल के भी कुछ नहीं हुआ उसमें, फिर 1 कुंटल और डाला तो जो आपने शक्ति का देखा होगा पहली लाइन है जो वहीं तक भरा था, उससे ऊपर आ ही नहीं रहा था वो। तो फिर यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तूने गलत कर दिया है, अहंकार नहीं चलता यहाँ पर, तो आप लोग तुरंत माफ़ी मांगो नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्षमा प्रार्थना, फिर डर भी गया था क्योंकि उतना चावल डाल दिया था उन्होंने उसमें शक्ति में। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की गलती हो गई क्षमा करो ऐसे करके, तो छल करके वो हुआ, सारे चावल बिखर गए, पूरे अंदर भर गए चावल जो नीचे थे सारे, जो एक लाइन भी नहीं भर रही थी, पूरा अंदर चावल ही चावल हो गया। तो इस टाइप के तो कई चमत्कार यहाँ पर होते हैं। जिससे मिलते जिससे सुनते हर वो शख्स माँ काली के नए चमत्कार और किस्से सुनाने लगता। हम रहस्यों में रास्ता तलाश ही रहे थे कि तभी एक शख्स ने
एक और हैरतअंगेज कहानी सुना दी। कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज जब विश्व युद्ध में डूब रहा था तो कप्तान ने बोला कि आप सब लोग अपने अपने इष्ट को याद कर लो, तो सबने जय मां श्री हाटकाली के नारे लगाए और जिस जहाज में पानी भरने लगा था, डूबने लगा था, वह जहाज में पानी आना बंद हो गया। एक मछली आई, उस छेद में अटक गई और फिर वो लाहौर से एक घंटा लेके आए कंधे में जवान, और आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की है कुलदेवी। दावा तो ये भी किया जाता है कि उस घटना के बाद रावलपिंडी से घंटा लाकर मां कालिका को भेंट किया गया था, जो उन नामों के साथ मंदिर परिसर में आज भी मौजूद है जिन्होंने घंटा मां काली को अर्पित किया था। हाट कालिका माता का इतिहास कुमाऊं रेजिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय सेना विश्व युद्ध में लड़ रही थी तो उसी दौरान उनका जहाज समुद्र में डूब रहा था। तभी जवानों को ये कहा गया कि अब कोई नहीं बचेगा और जो अपने भगवान या इष्ट देव को मानने वाला है वो उसे पुकार कर अपनी रक्षा की मांग कर ले। तो भारतीय जवानों में कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने माँ काली को याद किया, और माँ काली को याद करते ही उन्होंने देखा कि जहाज तुरंत ही कुछ देर बाद किनारे में लग गया, यानी सभी लोग वहां पर बच गए और अंतिम समय में जहाज डूब गया। और तभी से इस घंटी को चलाने की यहां पर प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि इस घंटी को रावलपिंडी से बनवाकर मां काली के दरबार में चढ़ाया गया और ये उनकी तरफ से एक बड़ी भेंट कही जाती है, क्योंकि मां काली को आज भी भारतीय सेना में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस दौरान उनके आह्वान से आगे बढ़ा जाता है। डूबते जहाज से बच निकलने की घटना इत्तफाक भी हो सकती है, लेकिन लोग यही मानते हैं कि मां घाट कालिका के आशीर्वाद से ही कुमाऊं रेजिमेंट के जवान डूबने से बच गए। अब जो भी हो, आस्था और तर्क की राहें हमेशा अलग ही रही हैं।